नंद गोप ग्रह नारद गए देखत कृष्ण आनंदित भए पौढ़े ललना बालता अखिल लोक वैभव विश्राम लघुता माज दुरावत शाम अति सूक्ष्म धर कर चरण कमल वदन पर कुंचित केस मानहु राजत मधुप सुदेश श्री राधा सुप्रताप जस श्री राधा सुप्रताप जस। अखिल लोक विश्राम सर्व कारण सर्व अंतरात्मा जगन नियंता जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान का इस पावन ब्रज भूमि पर ब्रजराज श्री नंद राज के प्रांगण में प्राकट्य हुआ है ऐसा जानकर प्रभु की उस मुनि मनमोहिनी झांकी का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद नंद बाबा के प्रांगण में पहुंचे और अनंत अनंत कल्याण गुणगण संपन्न रूप सौंदर्य माधुर्य के सिंधु नंदनंदन श्री बालकृष्ण लाल का दर्शन करके आनंदित हुए। आगे ग्रंथकार कहते हैं, जानो मुनि जु भयो अवतार जहां हरि तहां श्री सत्य विचार घर घर ऋषि खोजत फिरे भवन भवन प्रति कमला आ सब ब्रज ऋषि देखो फिर चाहे गए भवन वृषभान के श्री दामा देखत सुख भयो तब वृषभानु सुता लो गयो मूक बधिर आकृति रहे परदाद ऋषि स्तुति करी हो प्रसन्न मोहि सुंदरी श्री राधा सुप्रताप जस श्री राधा सुप्रताप जस। जानो मुनि जो भयो अवतार जहां हरि तहां श्री सत्य विचार। देवर्षि नारद परम भागवत हैं और भगवत कृपा से भगवान के स्वरूप और स्वभाव दोनों से परिचित हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब देवर्षि प्रभु की लीला का गान भी करते हैं और लीला रस का पान भी करते हैं। और नारद जी तो कैसे हैं, प्रभु को अतिशय प्रिय हैं क्योंकि आप भी जपते हैं और दूसरों से भी जपाते हैं। आप भी प्रभु के नाम का प्रभु के यश का कीर्तन करते हैं और अन्यों से भी कराते हैं। और स्वयं भक्ति सूत्र में भक्त का यही लक्षण बताते हैं, सतरति सतरति स लोकांस तारयति। भक्त आप भी तरता है और जाने कितनों को अपने साथ तार देता है। आप भी प्रभु का यश गाकर तरता है और दूसरों का भी प्रभु का यश गवा कर तार देता है। आप जपे और आ नाम जपावे। तो जब देवर्षि नारद ने प्रभु का दर्शन किया तो विचार किया कि यदि श्री हरि का प्रागट्य हुआ है तो निश्चित रूप से श्री जी का प्रागट्य भी अवश्य हुआ होगा, क्योंकि ये तो एक प्राण दो देह हैं, दो मन मिल एक है भय राधा वल्लभ लाल। प्रेम का विग्रह राधा माधव है और प्रेम का स्वभाव है वो तो दो को एक करता है और ये तो स्वभाव से एक हैं। यदि श्री हरि का प्रागट्य हुआ है, यदि श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं तो निकट ही कहीं ना कहीं श्री जी का प्रागट्य भी अवश्य हुआ होगा। तो घर घर ऋषि खोजत फिरे, कह रहे ब्रज के घर घर में देवर्षि नारद खोजते फिर रहे हैं। और फिर भवन भवन प्रति कमला आही, गोपी कहती है ना, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रय।
और कल भी आपको मैंने निवेदन किया था, श्री प्रिया जो के चरणों की रज में कमला वास करती है, ऐसा आचार्य का कथन भी है, ऐसा रसिक संतों का भी अनुभव है। ये जो ब्रज की रज है इसी में लक्ष्मी का वास है। और पूर्व मैंने आपको निवेदन किया था, केवल रुपया और पैसा लक्ष्मी नहीं होता, लक्ष्मी तो उसे कहते जब संपत्ति भी हो और साथ में सुमति भी हो, संस्कार भी हो, सेवा भी हो। लक्ष्मी वही है जो नारायण के चरण कमलों में है, और मुझे तो लगता है लक्ष्मी वही है जो नारायण के चरण कमलों तक ले जाए, जो प्रभु के चरण कमलों से दूर ले जाए वो लक्ष्मी नहीं है, वो तो पुण्य का फल है, वो तो भोग है। जो प्रभु के चरणों से दूर ले जाए, जो संपत्ति जो समृद्धि आपको भगवत विस्मरण करा दे, वो वस्तुतः लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी का तो अखंड वास नारायण के चरण कमलों में है। यदि लक्ष्मी आएगी जीवन में तो वो तो प्रभु के चरण कमलों तक ही लेकर जाएगी। जीव भूल कर बैठता है, वो साधारण धन संपत्ति को, साधारण पुण्य के फल को लक्ष्मी समझ बैठता है, पर यहां लक्ष्मी की बात हो रही है और ब्रज की रज में लक्ष्मी का वास है। तो ग्रंथकार कह रहे भवन भवन प्रति कमला आही, यहां तो घर घर में मानो स्वयं रमा क्रीड़ा कर रही है। और गोपी कहती है हे श्याम सुंदर, आपके प्रागट्य से इस ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी कहीं अधिक हो गई है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। और हमारे वृंदावन के रसिकों की दृष्टि से यदि देखें, यदि उनकी कृपा से वृंदावन के उस सूक्ष्म और नित्य स्वरूप का किंचित अनुभव हो जाए, तो फिर तो हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं रति अरुश्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग। तो कह रहे हैं भवन भवन प्रति कमला आही, सब ब्रज ऋषि देखो फिर चाही। और सब ब्रज में घूमने के बाद गए भवन वृषभान के, श्री दामा देखत सुख भयो तब वृषभानु सुतालों गयो मूक बधिर आकृति रहे। पहले श्री वृषभान बाबा के यहाँ श्री दामा का दर्शन हुआ, श्री दामा का दर्शन करके परम सुख और आनंद की अनुभूति करने के बाद तब श्री नारद जी को श्री प्रिया जी का, श्री किशोरी जी का, श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन हुआ। और ग्रंथकार कह रहे मूक बधिर आकृति रहे, कह रहे जैसे नारद जी जड़वत हो गए, जैसे गूंगा बहरा जड़वत हो गए नारद जी श्री प्रियाजू की उस अति सुंदर अति सुकुमार छवि का दर्शन करके। और हमारे ध्रुवदास जी तो श्री प्रियाजू के दर्शन की फल स्तुति क्या कहते हैं, जो वाको देखे हैं जाई सो रूपवंत है जाई, जो वाको देखे है जाई सो रूपवंत है जाई। और बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती, आपका मेरा मन आपकी मेरी बुद्धि स्पर्श नहीं कर सकती, देवर्षि नारद को कैसे आनंद की प्राप्ति हो रही है श्री प्रियाजू की उस अति सुंदर अति सुकुमार मनोहरिणी छवि का दर्शन करके। इसलिए ग्रंथकार कह रहे मूक बधिर आकृति रहे, जड़वत हो गए देवर्षि नारद, जैसे आज से पूर्व ऐसा दृश्य नहीं देखा था, आज से पूर्व ऐसा दर्शन नहीं हुआ था। फिर परदादे ऋषि अस्तुति करी हो प्रसन्न मोहि सुंदरी श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। श्री पर्दा दे ऋषि स्तुति करी, अर्थात पट की ओट में देवर्षि नारद ने श्री प्रियाजू की स्तुति करी। देखो ये जो श्री प्रियाजू के चरणों की भक्ति, ये जो विमल रस हितजू ने प्रकट किया, पूर्व भी मैंने कई बार आपको कहा कि ये काल क्रम में होने वाली घटना या कोई काल क्रम द्वारा नियत निश्चित विधान नहीं है कि इस रस का प्रागट्य होगा ही होगा। जैसे भगवान का अवतार तो प्रत्येक युग में होता है, पर ये जो रस प्रकट हुआ ये तो अद्भुत घटना घटी, ये तो अनहोनी घटना घटी। इसलिए रसिकों ने गाया भैया हो अद्भुत मंगल आज, न भूतो और खबर नहीं फिर कभी होगा कि नहीं होगा। ये नित्य वस्तु है, इसकी इच्छा हुई, इसने थोड़े से काल के लिए इस लोक में इस संसार में स्वयं को प्रकट कर लिया, इसकी इच्छा होगी तो ये स्वयं को दुरा भी लेगी। और आज भी आप देखिए राधा वल्लभ लाल प्रकट है, वृंदावन धाम प्रकट है,
रस रानी श्री यमुना जी प्रकट हैं, ये उपासना प्रकट है, पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप, ये नित्य वस्तु है भाई, इसकी इच्छा होती है ये प्रकट होती है, इसकी इच्छा होती है स्वयं को दुरा लेती है। देखो भगवान का भी जब अवतार होता है ना तो नियत और निश्चित होता है, जैसे ही भगवान के अवतार काल की अवधि पूरी होती है, काल भगवान आते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु आपका लीला कार्य अब संपन्न हो गया, अब आपको अपने धाम को वापस चलना चाहिए क्योंकि आपके अधिक रहने से सृष्टि के क्रम का संतुलन बिगड़ सकता है, तो आपको अपने धाम में वापस जाना चाहिए, और भगवान भी काल का आदर करते हुए समय का आदर करते हुए अपने धाम को पुनः गमन कर जाते हैं। लेकिन ये जो रस प्रकट हुआ ये किसी काल क्रम के अधीन नहीं है, ये कोई विधि का विधान नहीं है, ये तो केवल अपनी इच्छा से। और ध्रुवदास जी तो कह रहे नंद नंदन वृषभान किशोरी रसिकन हित प्रगटी है जोरी, केवल प्रेम के लिए ये राधा माधव युगल और इनके चरण कमलों की विलक्षण चमत्कारिणी भक्ति प्रकट हो गई, हितजू ने प्रकट कर दी निसंक सबके कल्याणार्थ। लेकिन ये उपासना सर्वजन ग्राह्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, जैसा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ना, अधिकारी के सामने वृंदावन प्रकट होता है, आज भी प्रकट है। नंददास जी की रास पंचाध्याय का हमने चिंतन किया था, नंददास जी ने विश्राम में क्या कहा, यही कहा था कि ना बिना भय अधिकार नहीं वृंदावन सूझे, अधिकारी के सन्मुख वृंदावन का वो नित्य और सूक्ष्म तत्व प्रकट होता है, प्रियालाल का ये विलक्षण रस प्रकट होता है, और अधिकार मिलता है गुरु की कृपा से, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। वृंदावन तो नित्य प्रकट है, हमारे महाप्रभु कह रहे चिर जीवो भूतल यह जोरी, ये रस नित्य प्रकट है, आज भी प्रकट है, आज भी अधिकारी को इसी वृंदावन में दर्शन होता है। किस वृंदावन का? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो। अधिकारी को आज भी इसी वृंदावन का दर्शन होता है, आज भी इसी वृंदावन की अनुभूति होती है। मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है जब कोई राधा वल्लभ लाल का दर्शन करता है तो कोई कोई विरल जन ऐसा होता है जो किसी भगवत विग्रह का दर्शन नहीं कर रहा, उसके हाव भाव बताते हैं, उसके नेत्रों की चमक बता देती है कि वो साक्षात प्रिया लाल का ही दर्शन कर रहा है। महाप्रभु जी ने कराया ना नरवाहन को दर्शन कराया, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषणार नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। हाँ, पर अधिकार की आवश्यकता है और अधिकार कृपा से प्राप्त होता है और कृपा पात्र स्वयं को बनाना पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। मैं पिरो दूं इस सूत्र सिद्धांत को एक वाक्य में कि अधिकारी व्यक्ति के सन्मुख वृंदावन का ये नित्य सत्य स्वरूप प्रकट होता है, जीव अधिकारी बनता है गुरु की कृपा से और गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए गुरु की आज्ञा में रहना आवश्यक है, आचार्यों की आज्ञा में रहना आवश्यक है, रहिए संतन पाछे। और ध्रुवदास जी ने अनेक अनेक स्थानों पर कहा पिए प्यारी को प्रेम रस सकही तो मन में राख, गुड़ रस है, गुप्त रस है, इसलिए आचार्यों ने भी इसे यूं सीधा सीधा प्रकट नहीं कर दिया है। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था संकेत दिए हैं आचार्यों ने कैसे इस रस में प्रवेश पाया जा सकता है, सीधी सीधी कोई विधि नहीं बताई है, इतनी माला कर लीजिए, इतना जप कर लीजिए, इतना तप कर लीजिए, ये साधन कर लीजिए तो ये रस मिल जाएगा, ना ना ऐसा कुछ नहीं कहा, संकेत में कहा। तो जब देवर्षि नारद ने दर्शन पाया तो देवर्षि नारद ज्ञानवान हैं और कृपा के पात्र हैं, इसलिए देवर्षि नारद ने परदादे ऋषि अस्तुति करी, प्रभु का यश तो देवर्षि नारद त्रिलोकी में गाते डोलते हैं, लेकिन जब श्री प्रिया जी की स्तुति की तो पट की ओट में की, परदादे ऋषि अस्तुति करी हो हु प्रसन्न मोहु सुंदरी श्री राधा सुप्रताप। हे सुंदरी आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं देखी कमला सरस्वती गिरिजा आदि सकल त्रियजिति पद नख सम पूजत नहीं। अब ये देवर्षि नारद का वाक्य है और गर्ग संहिता में तो इस कथा का सविस्तार वर्णन किया है।
इस कथा का बड़े विस्तार से वर्णन है। जब श्री नारद जी को वृषभानु भवन में वृषभानु नंदिनी का प्रथम दर्शन होता है, नारद जी कह रहे हैं मैंने लक्ष्मी जी का भी दर्शन किया है और मैं तो ब्रह्मलोक जाकर श्री सरस्वती जी का भी प्राय करके दर्शन पाता हूं। अब ब्रह्मलोक तो नारद जी का घर ही है, ब्रह्मा जी नारद जी के पिता है, नारद जी मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, तो कह रहे हैं मैंने लक्ष्मी का भी दर्शन किया है और मैंने सरस्वती का भी दर्शन पाया है, और फिर तो कह रहे हैं गिरिजा आदि सकल त्रियजिति, गिरिजा माने माँ भवानी, यद्यपि उनका सौंदर्य भी अनुपम है विलक्षण है, पर नारद जी कह रहे हैं पहले तो वो आपके सन्मुख स्त्रियां जान पड़ती हैं, और कह रहे हैं और वो स्त्रियां भी कैसी, पद नख सम पूजत नहीं, आपके चरणों की जो नख चंद्र चंद्रिका है उसका जो प्रकाश है, उसका जो सौंदर्य है, उसमें जो सुकुमारता, उसमें जो रस है, मतलब उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। हमारे यहां तो होली के समय जब रसिया गाया जाता है तो कहते हैं ना, वो दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, कोटि रमा सावित्री भवानी निकसी अंग छटा में ते, और स्वयं महादेव ने गाया है अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। जो सेवै श्री राधा नाम ता कहा कृपा करे अतिशाम, श्याम नाम राधा कृपा यह पुनि जान कृष्ण जस कयो, करी कृपा तब दर्शन लयो, अष्ट सखी सहवर तरुणी तब ही अशोक मालिनी कही, राति दरस पुनि दई है सही, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। अब नारद जी जानते हैं कि प्रिया प्रीतम को रिझाने की विधि क्या है, श्याम सुंदर रिझते हैं राधा नाम से, और श्री प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं, मुस्कुरा देती हैं जब उनके सन्मुख रसिक शेखर श्याम सुंदर का कोई गुण गाता है। महाप्रभु सुधा निधि में संकेत देते हैं कैसे प्रसन्न होती हैं प्रिया जू, महाप्रभु कहते हैं सा श्याम सुंदर गुणैर अनुगीयमान प्रीता परिश्वजतु माम वृषभानुपुत्री। मैं आपको अभी इसीलिए कह रहा था, संकेत दिए आचार्यों ने, महाप्रभु संकेत देते हैं कैसे रिझाया जा सकता है प्रियाजू को, कैसे उनकी प्रसन्नता, कैसे उनका प्रसाद पाया जा सकता है, तो महाप्रभु कह रहे कि सा श्याम सुंदर गुणैर अनुगीयमान, वो जो प्रियतम का गुण गाता हूं मैं, वो प्रीतम के गुणानुवाद का श्रवण करके, सुरथ नाथ के गुण का, उनके यश का, उनके नाम का श्रवण करके किसी दिन प्रियाजू प्रसन्न हो जाएंगी और परिश्वजतु माम वृषभानुपुत्री और वृषभान नंदिनी मुझे अपने हृदय से लगा लेंगी, मैं उनके निकट बैठी किसी दिन सुरथ नाथ का गुण गाती होंगी, किसी दिन श्याम सुंदर के गुण गा गा कर उनको रिझाने का प्रयास करती होंगी, और एक दिन मेरा प्रयास सफल हो जाएगा और प्रिया जो श्याम सुंदर के उस गुणानुवाद से प्रसन्न होकर मुझे हृदय से लगा लेंगे। प्रियतम प्रसन्न होते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और प्रिया जो प्रसन्न होती हैं जब उनके सम्मुख कोई श्याम सुंदर का यश गाता है। एक और बात महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, बड़ा सुंदर संकेत देते हैं, कहते हैं कि जो भी मैंने ये जो गोविंद की कथा गाई है और गोविंद के प्रिय भक्त जनों से मैंने प्रीति की है, इसके फलस्वरूप इसका परम फल मुझे प्राप्त हो, प्रिया जो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। देखो, प्रेमी को, किसी प्रेमी को यदि आपको रिझाना है तो उसकी यही विधि है कि उसके प्रेमास्पद का गुण गाइए, उसके प्रेमास्पद का यश गाइए। प्रेमी को कभी भी अपनी प्रशंसा रुचिकर नहीं होती, संसार का भी कोई प्रेमी हो ना तो उसे अपनी प्रशंसा रुचिकर नहीं है, क्योंकि प्रेम के धरातल पर पहुंचने के बाद तो मान मान अपमान सम,
थेवक जी महाराज कह रहे यदि कोई प्रेम के देश में प्रवेश कर गया है तो उसे अपनी प्रशंसा कभी रुचिकर नहीं होगी, बोझ लगेगी। प्रेमी को प्रशंसा कभी रुचिकर नहीं है, प्रेमी को तो प्रिय लगता है उसके प्रियतम का यश। इसीलिए हमारे श्री ठाकुर जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। प्रभु को अपने यश से कहीं प्रिय है, अपने भक्तों का सुयश लगता है, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो महाप्रभु कह रहे ये जो गोविंद और गोविंद के भक्तों से मैंने प्रीति की है, ये जो इनका यश मैंने गाया है, इसका एक ही सुफल मुझे प्राप्त हो, श्री जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी जानते हैं कि अब मैं श्री प्रिया जी के सन्मुख हूं। तो यह मुनि जान कृष्ण जस कयो, करी कृपा तब दर्शन लयो, अष्ट सखी सहवर तर। ये रहस्य जान देवर्षि नारद ने गाया श्री प्रिया जी के सन्मुख। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और जब निर्मल मन से देवर्षि नारद ने गाया, प्रभु के नाम का उच्चारण किया, तो श्री प्रिया जी ने कृपा करके ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा और सखी सुदेवी सकल जूत हित सेवी अष्ट सखियों के सहित श्री प्रिया जी मंद मंद मुस्कुराती अभय मुद्रा में सन्मुख खड़ी हैं। और तब ही अशोक मालिनी कही, प्रिया जी के निकटस्थ एक सखी जिसका नाम अशोक मालिनी, उसने देवर्षि नारद से कहा कि रात्रि में आपको पुनः दर्शन होगा देवर्षि, अब आप यहाँ से प्रियालाल का यश गाते हुए प्रस्थान करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। देखो आपको मैंने पूर्व भी कहा था और आप मेरी बात में 100% विश्वास रखना, मैं आपसे अन्यथा नहीं कह रहा हूँ। जब आप सब गाते हैं तो मेरे सामने बैठे बैठे श्रीनाथ जी मुस्कुराने लगते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देखो भाई ये जितना कहना सुनना है केवल इसीलिए तो है कि भगवान नाम में अनुराग उत्पन्न हो जाए, उस पार जाने की कोई दूसरी निविधि नहीं है बाप। थोड़े में समझ लो तो बहुत भला, लेकिन बहुत कह सुनकर भी समझने की बात तो इतनी है कि कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, कि नाम ही नौका है जो उस पार लेकर जाएगा, नाम ही है जो प्रभु के रूप का दर्शन कराएगा, नाम ही है जो हृदय को लीला रस के उपयोगी बनाएगा, कि नाम ही है जो अंत में धाम का परम विश्राम प्रदान कराएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय बार एक ही बात कहते सहस्त्रों सहस्त्रों पदों में सहस्त्रों अभंगों में श्री नामदेव जी श्री तुकाराम जी पंढरीनाथ के सम्मुख होकर एक बात कहते प्रभु आप बस मुझ पर इतनी कृपा करिए आप मुझे इतना भरोसा दिला दीजिए कि मुझे जन्म जन्म आपके नाम का अनुराग प्राप्त हो मैं अनंत अनंत जन्म जननी के गर्भ में आने को प्रस्तुत हूं आपके नाम में मुझे अनुराग हो आपके नाम में मेरी प्रीति हो मैं जब एक बार आपके नाम का उच्चारण करता हूं मुझे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में शायद इसी आनंद की अनुभूति के बाद कबीर जैसा कोई जागृत महापुरुष कहता है जिसका एक एक शब्द वेदवाणी के समान प्रमाणिक है इसी आनंद की अनुभूति के बाद कबीर कहता है जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय बाहर वाले गाओ देखो तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ रही लाडली लाल तक कैसे जा रही होगी गाओ गोविंद बलिहारी हमारे महाप्रभु जी की जिन्होंने भजन की एक ऐसी विधि दी जिसमें आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं एक भजन किया जाता है इसलिए मेरा कल्याण हो जाए पर यहां तो प्रियालाल के नाम का उच्चारण किया जा रहा है क्यों क्योंकि श्रीजी का नाम श्रवण करके लालजी की हृदय की प्रसन्नता है लालजू का नाम श्रवण करके प्रिया जो मुस्कुरा देती है तो हम तो नाम गा रहे हैं किस लिए हमारे हृदय में बैठे सन्मुख विराजमान लाडली लाल प्रसन्न हो लाडली लाल को सुख मिले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गुरुवाणी तो कहती है तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा आप पे श्रद्धाला में, जहां आपके नाम का कीर्तन हो रहा है वही स्थान वैकुंठ है, वहां किसी कुंठा का प्रवेश नहीं है। गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, और मैं कहता हूं सत्संग की कृपा से, जिसे नाम की निष्ठा प्राप्त हो गई है, जिसे नाम में प्रीति हो गई है, जिसको नाम में अनुराग हो गया है, उसके लिए कुछ और कार्य शेष नहीं। उसने सब धर्मों का पालन कर लिया, उसने सब साधन कर लिए, जिसको श्री हरि के नाम में अनुराग हो।